क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ सीता, मैं पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। मेरे पिता कैकेयी माता के समक्ष प्रतिज्ञाबद्ध हैं। नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा भैया? भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे शस्त्र के साथ अपने साथ ले चलो। मैं आपको पद दिखाऊंगा भैया, मेरी विनती स्वीकार कीजिए भैया। बहुत अच्छा, यही होगा भ्राता लक्ष्मण, हम तीनों ही वनवास जाएंगे। अगले दिन पिता के वचन को पालन करने के लिए राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष वनवास के लिए निकल पड़े। सारी अयोध्या में दुख की लहर दौड़ गई और फिर राम सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी वन पहुंच गए। बोलो सीता। यही वो जगह है, हम लोग क्या यही रहेंगे प्रभु? सुंदर जगह है। ठीक है, ऐसा ही होगा सीता। तैयार हुआ एक सुंदर कुटीर। सबसे पहले घास फूस हटाकर मिट्टी समतल करके मजबूती से बांस गाड़े गए। ऊपर लंबे कच्चे बांस, बांस के पैरों के पास अच्छी तरह से मिट्टी की भराई और लेप चढ़ाई गई। राम और लक्ष्मण ने कोश, कास और पत्तों से छावनी बनाई और देवी सीता राम और लक्ष्मण को मीठे पानी पिलाकर उनके कामों में सहयोग कर रही थी। भाई लक्ष्मण। भैया, बहुत सुंदर बना है हमारा घर, हमारी कुटिया। प्रभु, जटायु का कहना सही है, पंचवटी वन में ये सबसे अच्छी और सुंदर जगह है प्रभु। पास की गोदावरी नदी में सारस और राजहंस खेला करते हैं। हमारी कुटिया के आसपास सुंदर सुंदर चिड़ियां दिन रात चहचहाती रहती हैं। और मेरे साथ बात करना चाहते हैं प्रभु। दोनों तरफ सुंदर पहाड़ फल फूल से लदे हुए हैं। और नदी में सुंदर सुंदर हिरण पानी पीने आते हैं। मैंने हिरण बहुत देखे हैं प्रभु, पर इतने सुंदर सुंदर हिरण कहीं नहीं देखा। हमारे कुटिया के आसपास सुंदर सुंदर मयूर घूमते रहते हैं। हाँ सीता, पंचवटी वन सचमुच सुंदर है, यहीं हम अपना बचा हुआ समय व्यतीत करेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजमहल से दूर राम सीता और लक्ष्मण सुनसान वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक दिन पंचवटी वन में एक विचित्र घटना घटी। एक अपूर्व सुंदरी का आगमन हुआ। ये युवक तो देखने में बहुत सुंदर है, कमल जैसे सुंदर उनके नयन, बदन में अपूर्व तेज, सांवली सलोनी नील कमल सा रंग। जी चाहता है इस मनुष्य से विवाह करके इसके साथ रहूं। लेकिन पास में वो औरत कौन है? कितनी बदसूरत है देखने में। छी,
देखने में एकदम राजकुमार जैसे एक पुरुष के पास ऐसे बदसूरत औरत, पास में वो मनुष्य कौन है? वो मनुष्य भी देखने में तो बहुत सुंदर है, पास जाकर देखती हूँ। आप कौन है देवी? मैं देवी नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य नारी हूँ। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे जैसा इतना सुंदर पुरुष मैं इसके पहले कभी नहीं देखी हूँ। तुम इस निर्जन वन में रहकर अपने इस रूप को क्यों नष्ट कर रहे हो देव? मैं देवता नहीं हूँ सुंदरी, मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र हूँ। ये सीता है मेरी पत्नी और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। लेकिन इस निर्जन पंचवर्ती वन में तुम क्यों आए हो देव? मैं पिता की आज्ञा के पालन हेतु 14 वर्ष का वनवास पालन कर रहा हूँ सुंदरी। पिता की आज्ञा? हाँ, परंतु आपने अपना परिचय नहीं दिया सुंदरी। तुम्हें देखकर मैं मुग्ध हो गई हूँ देव, इसलिए झूठ नहीं कह सकती। मैं मानवी नहीं हूँ देव, मैं राक्षसी हूँ। मैं लंका नरेश रावण की बहन शूर्पनखा हूँ। शूर्पनखा, मैं तुम्हें चाहती हूँ रामचंद्र, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच बोला। मैं अपनी इच्छा से रूप बदल सकती हूँ, इसके अलावा मुझ में और भी शक्तियाँ हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो रामचंद्र। क्या? प्रभु। सुनो शूर्पनखा, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता शूर्पनखा। क्या? तुम मुझसे विवाह नहीं कर पाओगे? तो ठीक है, तुम नहीं तो अपने भाई लक्ष्मण से कहो मुझसे विवाह कर ले। नहीं, ये संभव नहीं है, मेरा भाई विवाहित है शूर्पनखा। तुमने ये कैसे सोच लिया? हम तुम्हारी बात मान लेंगे। क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? तुम्हें यह नहीं मालूम मैं रावण की बहन शूर्पनखा हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ठुकरा रहे हो। इस क्रूर नारी के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो। मैं किसी भी हाल में ये नहीं मान सकती। मुझे नहीं जानते? मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे खा जाऊंगी, मैं इसे ध्वंस कर दूंगी। सबसे पहले तुझको खा जाऊंगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण। आ राक्षसी, तुझे उचित दंड दूंगा।
सही दंड दिया हूँ भैया, ये राक्षसी कभी पंचवटी वन में नहीं आएगी। प्रभु, क्या पंचवटी वन में भी हम लोग नहीं रह पाएंगे? प्रभु, हम लोग यहीं रहेंगे सीता, और कहीं नहीं जाएंगे।